गाइस आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। माय नेम इज रतिका गुप्ता एंड गाइस दिस इज गोइंग टू बी माय सेकंड लेक्चर ऑन पोजेशन। गाइस इन माय प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस एन इंट्रोडक्शन टू व्हाट पोजेशन इज विद रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बेटर टाइटल, बिकॉज पोजेशन बीइंग अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट बेटर टाइटल को समझना बहुत जरूरी था। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द लीगल और द टेक्निकल लैंग्वेज ऑफ पोजेशन। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ पोजेशन। अब गाइस आई हैव रिटन इट हियर फॉर यू सो एज टू मेक इट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि पोजेशन का मतलब होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी रीडिंग दिस डेफिनेशन व्हिच सेज दैट अ मैन इज सेड टू बी इन पोजेशन ऑफ अ थिंग ऑफ व्हिच ही हैज एन अपेरेंट कंट्रोल और फ्रॉम द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ व्हिच ही हैज एन अपेरेंट पावर ऑफ एक्सक्लूडिंग अदर्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोजेशन। इसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे एंड बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई एम प्रीटी श्योर आपको पोजेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले गाइस दे से दैट जब कोई भी इंसान किसी भी चीज़ की पोजेशन में होता है, अब वो जो चीज़ है वो कोई भी हो सकती है गाइस, दैट थिंग मे बी मूवेबल और इमूवेबल, कोई भी चीज़ वो हो सकती है और आप किसी भी चीज़ की पोजेशन में हो सकते हो। नाउ गाइस विल बी डिवाइडिंग दिस बिफोर गेटिंग दिस डेफिनेशन इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज अपेरेंट कंट्रोल एंड सेकेंड इज अपेरेंट पावर ऑफ एक्सक्लूजन। सबसे पहले गाइस अपेरेंट कंट्रोल का मतलब क्या होता है, ट्रू और एक्चुअल फिजिकल कंट्रोल ओवर अ थिंग। किसी भी चीज़ पे बीट मूवेबल और इमूवेबल, जब किसी इंसान का ट्रू या एक्चुअल फिजिकल कंट्रोल होता है उस चीज़ को हम पोजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम इन कंट्रोल ऑफ दिस बोर्ड, अगर मेरे पास इस बोर्ड की एक्चुअल फिजिकल पोजेशन है तो कहा जाएगा कि मेरे पास इस चीज़ की कस्टडी भी है। कस्टडी का मतलब होता है केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ अ थिंग। इट मीन्स एक्चुअल फिजिकल कंट्रोल होना ही क्या होता है, अपेरेंट कंट्रोल होता है, बट दैट कंट्रोल मस्ट बी फिजिकल। नाउ गाइस इन ऑर्डर टू एसर्टेन क्या मेरा अपेरेंट कंट्रोल है किसी चीज़ पे, नहीं है, वो किस तरीके से पता लगेगा, उसका यही एक टेस्ट है दैट देयर मस्ट बी सम रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशन और कॉन्टैक्ट ऑफ अ मैन विद एन ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के साथ, उस चीज़ के साथ एक मैन का फिजिकल कॉन्टैक्ट, फिजिकल रिलेशन होना ज़रूरी है। दैट मैन मस्ट स्टैंड इन सम फिजिकल रिलेशनशिप विद दिस थिंग, और वो जो चीज़ होगी उसके अगेंस्ट हमारा एक राइट इन रेम होगा, राइट अगेंस्ट वर्ल्ड एट लार्ज होगा। सिंपल सी बात है कि अगर ये व्हाइट बोर्ड मेरी पोजेशन में है, मतलब ये मेरी कस्टडी में है, मेरी केयर एंड मेरी प्रोटेक्शन के अंडर है, और पोजेशन में वो कब होगा, जब मेरे पास इसका ट्रू एक्चुअल फिजिकल कंट्रोल होगा। अब वो कैसे पता लगेगा, आई स्टैंड इन सर्टन फिजिकल रिलेशनशिप एंड कॉन्टैक्ट विद दिस बोर्ड, इसीलिए आई से कि मेरी इस पर पोजेशन है। तो अपेरेंट कंट्रोल का मतलब क्या है, देयर मस्ट बी सम फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ अ मैन एंड एन ऑब्जेक्ट। टॉकिंग अबाउट सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज अपेरेंट पावर ऑफ एक्सक्लूजन। अब गाइस इसका मतलब क्या है, अपेरेंट पावर ऑफ एक्सक्लूजन का मतलब ही क्या है, देयर मस्ट बी सम ट्रू और देयर मस्ट बी सम एक्चुअल पावर ऑफ एक्सक्लूडिंग अदर्स और एलिमिनेटिंग एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। अगर ये बोर्ड मेरा है तो एट द सेम टाइम मेरे पास इस चीज़ की पोजेशन भी है और उसके साथ साथ मेरे पास एक पावर है कि मैं बाकी लोगों को एक्सक्लूड कर सकती हूँ फ्रॉम यूज़ और एन्जॉयमेंट ऑफ दिस बोर्ड। इफ़ आई यूज़ इट, इफ़ आई एन्जॉय इट बिकॉज आई पोजेस इट, और अगर मैं इसको पोजेस करती हूँ तो एट द सेम टाइम मेरे पास एक पावर है कि मैं एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, जो बाकी दुनिया की इंटरफेरेंस है, उस चीज़ से अपनी चीज़ को बचा सकती हूँ। दैट इज़ कॉल्ड अपेरेंट पावर, ट्रू और एक्चुअल पावर ऑफ एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब है एक्सक्लूडिंग अदर पीपल वर्ल्ड एट लार्ज, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को ख़त्म कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे मेरे पास इस चीज़ की, अगर मैं कहूँ अपेरेंट कंट्रोल, यहाँ पे मेरे पास इस चीज़ की फिजिकल कस्टडी है, कंट्रोल है, मतलब मेरे पास उस चीज़ का एक फिजिकल एलिमेंट है। अगर मैं कहूँ पोजेशन के फिजिकल एलिमेंट को हम लोग कॉर्पस कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉर्पस पोजेशनिस। दिस अपेरेंट कंट्रोल इज फिजिकल एलिमेंट ऑफ पोजेशन एंड दिस अपेरेंट पावर ऑफ एक्सक्लूडिंग अदर्स इज मेंटल एलिमेंट ऑफ पोजेशन। क्योंकि गाइज ऐसा क्यों लिखा है, आपको डेफिनेशन से क्लियर हो चुका होगा यहाँ पे फिजिकल कंट्रोल का मतलब ही क्या है, अपेरेंट कंट्रोल का मतलब ही क्या है, फिजिकल कंट्रोल एंड कस्टडी। वो मेरी ऑब्वियसली अगर चीज़ मेरे हाथ में है तो मैं कहूँगी मेरे पास उसका अपेरेंट कंट्रोल है। तो अगर कोई चीज़ हाथ में है तो मतलब मेरा फिजिकल रिलेशनशिप है उस चीज़ के साथ, फिजिकल कॉन्टैक्ट है, इसीलिए हम कहेंगे कि उसका कॉर्पस मेरे पास है। कॉर्पस मतलब क्या होती है, कोई भी चीज़ का अपने पास होना, फिजिकल एलिमेंट को आप कॉर्पस कहते हो, तो उसको हम बोलेंगे कॉर्पस पोजेशनिस। सिमिलरली गाइज यहाँ पे इफ आई टॉक अबाउट पावर ऑफ एक्सक्लूजन अदर्स, इसका मतलब ये कि आई हैव एन इंटेंशन, मेरा एक इंटेंशन है, मेरी एक विल है या मेरी एक वॉल्यूशन है, दैट आई हैव टू होल्ड दिस प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर्स। आई पजेस इट, आई होल्ड इट, आई एम रिजर्विंग इट
एज एन एक्सक्लूसिव सोल राइटफुल ऑनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी. मेरे पास एक इंटेंट है कि मैंने बाकियों को ये यूज़ नहीं करने देनी या फिर ये इंजॉय करने नहीं देनी. दैट फॉर्म्स माई अपेरेंट पावर ऑफ एक्सक्लूजन. तो इसके अंदर मेरा इंटेंट आता है और उसके अंदर हमारे पास कॉर्पस रहता है. क्योंकि यहाँ पे मेंटल एलिमेंट की बात करते हैं तो इसको हम लोग एनिमस पॉसिडेंडाई बोलते हैं. एनिमस मतलब मेंटल इंटेंट होता है, आपका इंटेंशन, और कॉर्पस मतलब फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, फिजिकल कंट्रोल होता है. सो दीज आर द टू डिफरेंट पार्ट्स जो कि हमने पजेशन के डेफिनेशन में देखे कि पजेशन के दो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कॉर्पस एंड एनिमस. कॉर्पस को हम लोग कॉर्पस पजेशनिस बोलते हैं और एनिमस को हम लोग एनिमस पॉसिडेंडाई बोलते हैं. दीज आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ पजेशन. एक होता है अपेरेंट कंट्रोल और एक होती है अपेरेंट पावर ऑफ एक्सक्लूजन अदर्स फ्रॉम यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग. दोनों चीज़ें ही रहती हैं तभी पजेशन आती है. अब गाइस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर हमने वर्ड लिखा है और, यहाँ पर वर्ड एंड नहीं है. इसके डेफिनेशन में आपको वर्ड और दिखेगा. और का मतलब होता है ईदर दिस और दैट. दोनों चीज़ें एक टाइम पे नेसेसरीली हो ये ज़रूरी नहीं है. या मेरे पास किसी चीज़ की कॉर्पस हो या एनिमस हो, इनमें से कोई एक भी होगा तो भी हम ये कहेंगे कि मेरे पास उस चीज़ की पजेशन है. इधर आई शुड हैव दिस वाइट बोर्ड विद मी और आई मस्ट हैव एन इंटेंट और अ विल कि आई हैव टू होल्ड इट, आई हैव टू रिजर्व इट एज दिस सोल राइटफुल ऑनर टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर्स. इफ आई अप्रोप्रिएट दिस थिंग टू माई सेल्फ एक्सक्लूसिवली, इफ आई हैव अ रीजनेबल यू नो इंटेंट इन माई माइंड विच राइजेज एन एप्रीहेंशन दैट मैं इसको अकेली ही यूज़ करूँगी, कोई और इसको यूज़ या इन्जॉय नहीं कर सकता, या तो वो होना चाहिए या मेरे पास ये कॉर्पस एक्चुअल में ये चीज़ होनी चाहिए, तो हम कहेंगे पजेशन है. दोनों को एग्जिस्ट करें नेसेसरीली, हर टाइम पे वो ज़रूरी नहीं है. बट अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट गाइस, पजेशन को कमेंस होने के लिए, उसको स्टार्ट होने के लिए दोनों का होना ज़रूरी है. जब कॉर्पस और एनिमस दोनों एक टाइम पे इकट्ठे होंगे, को एग्जिस्ट करेंगे, हम कहेंगे पजेशन कमेंस हो चुकी है. इट इज़ नेसेसरी फॉर दीज टू यू नो एलिमेंट्स ऑफ पजेशन टू को एग्जिस्ट फॉर पजेशन टू एटलीस्ट कमेंस. बट इट इज़ नॉट एट ऑल मैंडेटरी फॉर पजेशन टू कंटिन्यू कि हर टाइम ये दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट करें. Either this or that, या आपको और से पता लगता है कि या ये चीज़ हो या ये चीज़ हो, तो possession continue रहेगी. Possession ख़त्म गई सिर्फ तब होगी जब हम actual में abandon कर देंगे दोनों चीज़ों को, corpus को भी animus को भी. अगर मैं इस white board का corpus भी छोड़ देती हूँ, ठीक है, या और इसके animus भी छोड़ देती हूँ, mental intent to the exclusion of all others कि मुझे इसको use करना है, जब at a point of time दोनों चीज़ें abandon में कर दूंगी, उस time पे हम कहेंगे कि possession ख़त्म हो चुकी है. ये कब होगा? फॉर एग्जाम्पल आई सोल्ड इट. इफ आई सोल्ड इट, मेरे पास ना तो इसका कंट्रोल रहेगा क्योंकि वो बेच चुकी हूँ, और ना ही मेरे पास इसकी एनिमस रहेगी क्योंकि जो इंसान इसका परचेजर होगा वो इंसान अब इसको एक्सक्लूसिवली यूज़ करेगा टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर्स. आई होप गाइस दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू कि पजेशन की बिगिनिंग के लिए दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, लेकिन उसके कंटिन्यूएंस के लिए कोई एक होगी तब भी चलेगा. पजेशन ख़त्म सिर्फ तभी होगी व्हेन आई अबंडन बोथ दीज ऑल टुगेदर, तो पजेशन ख़त्म हो जाएगी. अब गाइस इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कहते हैं कि पजेशन इज़ नॉट लॉस्ट और एक्सटिंग्विश्ड बाय मेयर फिजिकल एब्सेंस, टेम्प्ररी एब्सेंस ऑफ अ पर्सन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट. अगर मेरी एक टेम्प्ररी एब्सेंस है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. एक बुक शेल्फ की एग्जाम्पल लेते और एक लाइब्रेरी की एग्जाम्पल लेते. इन एग्जाम्पल्स को गाइस बहुत ध्यान से समझना. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बुक शेल्फ इन माई रूम. गाइस इट इज़ नॉट यू नो इवन पॉसिबल कि जहाँ जहाँ मैं जाऊँ वो बुक शेल्फ मेरे साथ जाए. बुक शेल्फ इंटैक्ट रहेगी, मेरे रूम में रहेगी, ठीक है. अब ऑल दो मैं जहाँ जाती हूँ, कॉर्पस मेरे पास नहीं है बुक शेल्फ का, कॉर्पस मेरे पास नहीं है, मेरा फिजिकल कंट्रोल या मेरी कस्टडी में वो नहीं है, लेकिन गाइस मेरे पास एक एनिमस है कि वो चीज़ मेरी है. आई हैव एन इंटेंट एंड आई हैव अपेरेंट पावर ऑफ एक्सक्लूडिंग अदर्स और एलिमिनेटिंग एक्सटर्नल इंटरफेरेंस. सिमिलरली गाइस, तो उस चीज़ की पजेशन अभी भी मेरे पास है. नीड नॉट नेसेसरली दोनों चीज़ें हों, कोई एक भी चीज़ होगी तब भी पजेशन मेरे पास ही रहेगी. सेकेंडली गाइस, एक लाइब्रेरी की एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं. अब जो लाइब्रेरियन होती है गाइज, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उसको हर एक चीज़ का या हर एक बुक का ध्यान रहे कि ये चीज़ मेरी है. शी माइट नॉट हैव एनी स्पेसिफिक इंटेंशन ऑफ हैविंग अ बुक. बहुत सारी बुक्स होंगी, बहुत सारी बुक्स. अब कोई बुक कोई ले जाता है, शी माइट नॉट बी हैविंग अ स्पेसिफिक इंटेंशन कि इस बुक को मैंने पजेस करना है. बट गाइज वहाँ पर एनिमस तो नहीं है, इंटेंट नहीं है उस लाइब्रेरियन के पास, बिकॉज शी माइट फॉरगेट अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन बुक्स इन हर लाइब्रेरी. बट गाइज क्योंकि वो लाइब्रेरी में बैठी है, लाइब्रेरी की कस्टडी उनके पास है, कॉर्पस फिजिकल कंट्रोल बुक्स का उनके पास है, तो शी हैज़ ऑल द राइट टू
यू नो रिजर्व दोज राइट ओवर द बुक्स, ठीक है ना, वो क्या कर सकती है, अपने उन बुक्स को दोबारा से आप मंगवा सकते हो क्योंकि आपके पास उनका कॉर्पस है. आप क्या कर सकते हो, अपने राइट को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो. इन द सेंस यू हैव कॉर्पस, ऑल्दो शी माइट हैव लॉस्ट एनिमस, उनका इंटेंशन खत्म हो सकता है बिकॉज शी माइट हैव लॉस्ट अबाउट यू नो फॉरगेट अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टन बुक्स, बट क्योंकि कॉर्पस बुक्स का अभी भी उनके पास है, फिजिकल कंट्रोल एंड कस्टडी उनके पास है, तो हम कहेंगे कि वो अपने राइट को एक्सरसाइज करके बुक्स को वापस मंगवा सकती हैं एंड शी कैन रिजर्व हर राइट ओवर दोज बुक्स बींग द लाइब्रेरियन, क्योंकि वो उनकी कस्टडी में है. आई होप ये दोनों पॉइंट्स वो क्लियर हो चुके हैं. एक जगह मेरी बुक शेल्फ की कस्टडी मेरे पास नहीं थी बट एनिमस था, फिर भी पोजेशन थी. और दूसरी साइड लाइब्रेरियन के केस में आपके पास कस्टडी है, आपके पास कॉर्पस है, लेकिन एनिमस लॉस्ट हो चुका है, फिर भी पोजेशन है. तो पोजेशन इज नॉट लॉस्ट मेयरली बाय टेम्पररी फिजिकल एब्सेंस ऑफ अ पर्सन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट आपके पास शायद एक टाइम पे ना हो लेकिन आपके पास उसका एनिमस है, तो आपके पास पोजेशन रहेगी. गाइस इसी चीज़ से निकल के हमारे पास दो तरीके की पोजेशन आती है, विच इज़ पोजेशन इन फैक्ट एंड पोजेशन इन लॉ. गाइस पोजेशन इन फैक्ट का मतलब होता है डी फैक्टो पोजेशन, विच इज एक्चुअल पोजेशन. अब ये बोर्ड मेरे पास है, दिस इज पोजेशन इन फैक्ट. पोजेशन इन फैक्ट इज वेरी सिंपल, जब आपके पास किसी भी चीज़ का एक्चुअल कंट्रोल होती है, एक्चुअल पोजेशन होती है, दोनों चीज़ें होंगी कॉर्पस एंड एनिमस, तो वो पोजेशन इन फैक्ट होगा विच इज़ एक्चुअल फिजिकल कंट्रोल ओवर अ थिंग, विच इज़ कॉल्ड डी फैक्टो पोजेशन, या फिर इसको हम रोमन में बोलते हैं पोजेशियो नेचुरलिस ऑल्सो. तो पोजेशन इन फैक्ट बहुत सिंपल है. सेकेंड इज पोजेशन इन लॉ. पोजेशन इन लॉ को हम डी ज्योरे पोजेशन बोल देते हैं, विच इज़ पोजेशियो सिविलिस. ये भी सिंपल सी बात है, इस पोजेशन इन लॉ का मतलब है लीगल पोजेशन. अब इसकी एक एग्जांपल देते हैं. लीगल पोजेशन वो चीज़ होती है, वो पोजेशन होती है विच इज़ रिकग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ. ऑब्वियसली इट इज़ यू नो कम्बाइंड विद अलॉट मेनी राइट्स एंड लीगल कंसीक्वेंसेज गाइस. अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, टेनेंट या फिर एक लीज होल्डर गाइस. वो टेनेंट होता है जो किराएदार होता है, एज लॉन्ग एज वो अपने रेंट को देता रहता है एंड एज लॉन्ग एज वो सारी कंडीशंस जो कि आपके लैंडलॉर्ड ने लगाई है उसको फुलफिल करता है, कोई भी कंडीशन का वो वायलेशन नहीं करता, उसको जो लैंडलॉर्ड है वो अनलॉफुल तरीके से एविक्ट नहीं कर सकता. अगर उसको अनलॉफुल तरीके से एविक्ट करेगा तो वो जो टेनेंट है ही हैज़ अलॉट मेनी सिविल एंड क्रिमिनल रेमेडीज अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड. अब कहने का मतलब है कि ये उसकी लीगल पोजेशन है, डी ज्योरे पोजेशन है, विच इज़ रिकग्नाइज बाय लॉ, विच इज़ एट द सेम टाइम प्रोटेक्टेड बाय लॉ, ही हैज़ अलॉट मेनी सिविल and criminal remedies against the landlord. कहने का मतलब है कि it is combined and clubbed with a lot many rights and legal consequences. Similar example है lease holder की. Suppose आपने कोई भी land lease पे ले रखी है, तो आप जब तक उसका rent pay करते हो, सारी conditions पूरी करते हो, कोई भी violation नहीं है on your part, जो जिसने आपको lease दी है, leaser वो आपको unlawful तरीके से evict नहीं कर सकता. ये कुछ examples है legal possession की, एक ऐसी possession जो कि possession in fact तो होती है, आपके पास उस चीज़ की possession है, लेकिन the thing is it is at the same time protected and recognized by law. यही कुछ basic से intro थी and definition थी हमारी पोजेशन की. गाइस यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी एक इंसान इज सेट टू बी इन पोजेशन ऑफ अ थिंग विच मे बी मूवेबल और रिमूवेबल, जिस चीज़ पे उसका अपारेंट कंट्रोल है, ये चीज़ उसका फिजिकल एलिमेंट दिखाती है, या फिर जिस चीज़ पे उसका अपारेंट पावर ऑफ एक्सक्लूजन है. दिस शोज योर इंटेंट, योर विल और योर वॉल्यूशन, कि आप उस चीज़ को एक्सक्लूसिवली यूज़ करते हो. यही दो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजेशंस भी हैं, clubbed with possession in fact and possession in law. I hope guys things are quite clear to you. Still guys, if you have any doubts pertaining to definition of legal definition of possession, please feel free to comment in the comment box. I'll be replying to all the doubts and queries. Till then guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye-bye.